जय श्री कृष्णा री सा, पधारो सा, पापा में रसोई में आप स्वागत है सा। अंबारो मौसम चल रियो है, आज अपे बनावा आम्रखंड। आम्रखंड बनाने विधि बहुत ही सरल है सा। आम्रखंड बनाने वास्ते जो की सामग्री लागे सा बहुत ही कम लागया करे, पर वो खाउन में बहुत ही स्वादिष्ट बनिया करे। ठंडो ठंडो आम्रखंड मैंगोरी आइसक्रीम भी चाहिए ज्यादा स्वादिष्ट लागे सा और खाउन में बहुत हेल्दी रहे सा। आओ अपे बनावना शुरू करा आम्रखंड। आम्रखंड बनाने वास्ते 1 किलो होल मिल्क लियो सा, उन्हें जमायो और जमानो दही तैयार करिया सा। अब इन्हें दही रो पानी निकालने वास्ते इन्हें जाड़नो पड़ेला सा। दही ने जाड़ने वास्ते एक पहलो लिया सा, इन पहला रमाने एक जाली रख दा। इन जाली रमाते एक सूती कपड़ो रख दा और इन सूती कपड़ो रमाने जो 1 लीटर दही है अपनो और 1 लीटर दही इनमान डाल दा सा। दही ने लटकाउन वास्ते इन्हें अच्छी तरह बांध दिला सा, गांठ लगा लाटी ने इन डंगू इन्हें बांध लिया सा। अब इन्हें लटका दे, वहाँ लटका वजह इन्हें पानी निकलने लग जाए और करीब 8 घंटा रवान और दही अच्छा तरह जर जा रही। आम्रखंड बनाने वास्ते 2 हापुस सांबर लिया सा। हापुस सांबर एक खासियत है कि इन्हें जो को अमृत वे उनमान बिल्कुल रिसो नहीं होया करे। इन्हें अमृत की सुगंध वे बहुत ही यूनिक अच्छी होया करे और इन्हों कलर भी बहुत अच्छा होया करे। इन वास्ते जरे भी अपने आम्रखंड बनावा तो इन टाइप का आंबा ही लेना चाहिए। तो मैं 2 हापुस सांबर लिया सा। अब इन्हें खोलने ना पानो बना दा। उपरलो छिलको जी निकालने वास्ते जितो पतलो निकाल सको निकाल लो। 2 अंबर छिलका निकाल दिया सर। अब इन्हें काटने नो पाणो बना दा। तो काटने वास्ते कई करा, इन्हें पेरी चेयर का लगा दा। इन अंबर माने बिल्कुल ही रेसा नहीं है सर, इन वास्ते नो पाणो बहुत अच्छा बढ़िया करे। आप देख सको इन ढंगों पे पाणो बना दा। इन अंबरों कलर भी बहुत अच्छा है सर, इन्हें जी की खुशबू है वह बहुत ही अलग यूनिक खुशबू है सर। इन वास्ते इन आम्रखंड माने कोई भी तरह इलायची और खुशबू वगैरह नहीं डालिया करा सर, क्योंकि अंबर की खुशबू जितनी है यूनिक है कि उनकी खुशबू बहुत अच्छी लाग गया करे। 2 अंबरों पाणो बना दिया सर। अब इन्हें पाने साइड में रख दा। 8 घंटा हो गया ऐसा और इन्हों सारो पानी निकल गया है और अबर दही और जरियोड़ दही अपने करना। आप चाहो तो इन्हें थोड़ा और दबाने कोई पानी निकलते हो तो निकाल दो और दही रो खाटो पानी निकल गया सर। इन्हें पानी ना पे आटो उसने में अगर काम ले सका या इन्हें खड्डी बनाने की खास का सर, तो इन्हें साइड में रख दा। और अब इन्हें खोलने देख ला सा किकर दही जरियो है। दही अच्छी तरह जर गया है और गाढ़ो हो गया एकदम। अब इन गाढ़ो दही ने एक पहले में ले ला सा। इन जारियोड़े दही रमान ने आधो कप शक्कर डाल दें सा और अब इन्हें एक बार चिमचों में ला लें। शक्कर डालियो इन्हें झारियोड़ा दही में थोड़ा पानी छूटेला और उनमान शक्कर पिघल जाए। अब इन्हें झारियोड़ा दही रमान ने आम्रो पौनो बनाया हो और आम्रो पौनो इन माने डाल दें सर। अब इन्हें हिलाएला ने अच्छी तरह मिक्स कर दे वहाँ और जब तक हिलावता रहे वाला जब तक यह दोई सब मिल पर अच्छा पेस्ट नहीं बन जावे। इन्हें अंबा ने मिक्स करते ने करीब 15-20 मिनट हो गया ऐसा। आम और दही एकदम अच्छी तरह मिक्स हो गया है। आम्रखंड एकदम अच्छा बन गया है। इनमें ने जिका मैंगोरा पानो गालियो वो सब इन हाथ गुड़ गया है। थोड़ा थोड़ा कोई पीस इन हाथ आ रही है तो वो खाउन में और भी अच्छा लगेगा। इन्हें कंटिन्यूसली हिलायो इन्हों वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ गया ऐसा। इन्हों कलर तो अच्छा आया ऐसा कि इनमें अब कोई भी केसर भी डालने की कोई जरूरत ही नहीं है और इन्हें जी की खुशबू है अंबर वह बहुत ही अच्छी आ रही है ऐसा। इन वास्ते इनमें इलायची जड़ी चीज भी नहीं डाला ला। आम्रखंड ने सरु करियर पहले इन्हें अगर फ्रिज में रखने ठंडो करा तो और भी अच्छा लगेगा सर। आप भी इन्हें आपने घर में ट्राई करो सर और अगर आपने छोको लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने जरूर जरूर बताओ सर। अगर वो वीडियो आपने पसंद आवे तो आप इन्हें लाइक करो सर। मिलना एड़े कोई दूसरे वीडियो में, जड़ तक राम राम सा।